हाय सूरज, मैं एक जादुई छाता हूँ। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ। तो तुम्हें मुझे किसी जरूरतमंद को देना होगा, ठीक है? ठीक है। अरे बाहर तो बारिश आ रही है और छाता छाता पता नहीं कहाँ पड़ा है। अब लगता है मुझे भीगना ही पड़ेगा। मामा, ये लो। अरे वाह, थैंक यू बेटा। मैंने इसे बहुत ढूंढा पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हे भगवान, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? ऑटो भी नहीं मिलेगा। काश कि मैं सब्जी मार्केट तुरंत पहुंच जाती। अरे मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे? कहीं किसी भूत का साया तो नहीं मुझ पर? मैं एक जादुई छाता हूँ और यहाँ मैं ही तुम्हें लेकर आया हूँ। क्या? हाँ, तुम मुझसे कहीं पर भी जा सकती हो। मतलब कि अब मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ? क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों लग रहे हो? गाड़ी सर्विस में दिए और अभी तक आई नहीं, और अगर आज ऑफिस में लेट पहुंचा तो सर मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। क्या? हाँ। जादुई छाता, जल्दी से इन्हें ऑफिस पहुंचा दो। अरे ये मैं कहाँ गया? अपने ऑफिस में? पर कैसे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे करिश्मा भाभी, आप अपने फेस पर क्या यूज करते हो? कितना शाइन कर रहा है। एक मैं हूँ जो अपने चेहरे पर कितने प्रोडक्ट यूज करती हूँ, पर फिर भी दिन ब दिन मेरा फेस कितना डल होता जा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। पता है, हमारी स्किन के लिए विटामिन सी बहुत ही बेनिफिशियल है, जो डार्क स्पॉट, फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में हेल्प करता है। बढ़ती उम्र के साथ स्किन का कोलेजन कम होने लगता है, जिसे विटामिन सी बूस्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा? हाँ, और इन सब के लिए मैं यूज करती हूँ वाउ स्किन साइंस का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, मिस्ट, टोनर, सीरम एंड क्रीम। क्या? हाँ, ये है वाउ स्किन साइंस का विटामिन सी फॉर्मिंग फेस वॉश। ये स्किन से डेड स्किन हटाने में हेल्प करता है, जिससे स्किन को नेचुरल ग्लो मिलता है। इसे लगाने के लिए एक सिलिकॉन ब्रश दिया है, जिससे स्किन के पोर्स में जमी गंदगी को गहराई से साफ करने में ये हेल्प करता है। अच्छा? हाँ, और ये है वाउ स्किन साइंस का विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। ये स्किन को हाइड्रेट करके फ्रेशनेस लाने में हेल्प करता है। ये हमें टोनर और मिस्ट का ड्यूअल बेनिफिट देता है, और साथ ही ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी कम करने में हेल्प करता है। इसके लिए हमें साफ धोए हुए चेहरे पर बॉटल को कुछ इंच दूरी पर रख के स्प्रे करना है। इसके बाद हल्के हाथों से डैब करना है। टोनर का यूज दिन में कभी भी किया जा सकता है। ये डिहाइड्रेटेड स्किन को इंस्टेंट मॉइस्चर करता है। बस मिस्ट को स्प्रे करो, डैब करो और महसूस करो मुलायम फ्रेश त्वचा। अरे वाह। हाँ, और ये है वाउ स्किन साइंस का 20% विटामिन सी फेस सीरम, जो है प्योर विटामिन सी विथ हेजल और हाइलुरोनिक एसिड से बना। ये हेल्प करता है स्किन को हाइड्रेट करने में और स्किन को रिपेयर करने में। ये कोलेजन और इलास्टिन को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही ये स्किन की असमान रंगत को सुधार के त्वचा की चमक को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। अच्छे साफ चेहरे पर ये सीरम लगाएं, ताकि ये स्किन की गहराई में जा सके। इसके लिए फेस और नेक पर डॉट बनाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। और हाँ, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करने से पहले इसे पूरी तरह सूखने दें। और ये है वाउ स्किन साइंस विटामिन सी फेस क्रीम, जिसमें है एक्टिव विटामिन सी, एसेंशियल फैटी एसिड, रिच शिया एंड कोकोआ बटर, जो हेल्प करता है डैमेज स्किन को रिपेयर करने में और स्किन के नेचुरल सीबम लेयर को सपोर्ट करके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में। इसका बेस्ट यूज विटामिन सी सीरम के बाद किया जाता है, जिससे इस सीरम की गुडनेस को स्किन में सील करके स्किन को लंबे समय तक हाइड्रेट करने में हेल्प कर सके। अरे वाह, मुझे इन्हीं प्रोडक्ट का तो इंतजार था, पर इन्हें मैं खरीदूंगी कहाँ से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। अच्छा, फिर तो मैं अभी करती हूँ। बी वाओ नेचुरली। वाओ के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, और जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो इनकी वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, तो उसके साथ आपको एक सीड पाउच मिलेगा, जिसे प्लांट करके आप प्राउड प्लांट पेरेंट बन सकते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे पूजा भाभी, आप 2 महीने पहले मेरा इडली का कुकर लेके गए थे, याद है ना? हाँ हाँ। तो वो कब लौटा रहे हो? जब आप कहो। अब मैं अभी जाती हूँ, मुझे जरूरी काम है।
अरे ये तो करिश्मा भाभी है, पक्का अपना इडली का कुकर मांगने आए होंगे। लेकिन मुझे तो अभी 3 दिन इडली और बनानी है। नहीं नहीं, मैं तो कुकर नहीं दूंगी। ये पूजा भाभी भी ना मेरा इडली का कुकर देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पूजा भाभी, अच्छा तो मेरा इडली का कुकर यहाँ है, कैसा हाल कर दिया इसका। अरे करिश्मा भाभी, आप और यहाँ? हाँ, अपना इडली का कुकर लेने। जादुई छाता, चलो मेरे घर। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? इसका मतलब करिश्मा भाभी के पास सच में जादुई छाता है। अच्छा तो जादुई छाता यहाँ है। चल जादुई छाते, मुझे गोवा ले चल। अरे कहाँ ना तुझे, गोवा ले चल। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि असली छाता तो मेरे पास है। और आप, अगर आपके पास ऐसा छाता होता तो आप कहाँ जाते, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।